नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। बात होगी तमाम खबरों की, लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ। ये बड़ी खबर बांके बिहारी मंदिर पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, ये सामने आया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई और बड़ा फैसला इसमें सामने आया है। हाईकोर्ट से हिंदू पक्ष को बड़ी राहत, बड़ी जीत मिली है। ट्रस्ट के नाम होगी कब्रिस्तान की जमीन, तो ये हिंदू पक्ष के फेवर में फैसला आया। एक महीने के अंदर ट्रस्ट के नाम ये होना है, तो दस्तावेज में दर्ज हो ट्रस्ट के नाम। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, बांके बिहारी मंदिर पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। इंडियन स्टील एसोसिएशन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए हैं। आपको बताने की कार्यक्रम होटल ताज में हुआ। इस दौरान मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र भी उनके साथ मौजूद थे। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री जी के मिशन अनुरूप भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में आगे बढ़ रहा है। देश का हर पांचवा व्यक्ति उत्तर प्रदेश में निवास करता है। इंडियन स्टील एसोसिएशन ने अपने समिट के लिए देश के अंदर सबसे अधिक संभावना वाले प्रदेश को और उसकी राजधानी को चुना है, और इसीलिए जब इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष अपने स्वागत भाषण में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे थे, उनके भाषण को यद्यपि कट किया गया, लेकिन उत्तर प्रदेश की उन संभावनाओं को उन्होंने रेखांकित करने का एक प्रयास किया है। इस दृष्टि से आज आप दिन भर एसोसिएशन से जुड़े हुए जितने भी अन्य सम्मानित सदस्य हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, प्रदेश सरकार के ऑफिसर्स हैं, इस सब के साथ मिलकर के उत्तर प्रदेश की इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने और उसमें। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे इस वक्त एक और बड़ी खबर के साथ, और ये बड़ी खबर सामने आ रही है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं लखनऊ से। इस वक्त की ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। कल भी हड़ताल पर रहेंगे वकील, और वकीलों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। हापुड़ के वकीलों का जो है वो समर्थन कर रहे हैं। कल हापुड़ रवाना होंगे, लखनऊ के सारे वकील समर्थन अपना देंगे और लखनऊ बार एसोसिएशन की बैठक में ये फैसला लिया जाएगा। देखिए, सरकार की तरफ से भले ही आश्वासन दिया गया हो, लेकिन वकीलों ने अब तक अपनी हड़ताल खत्म नहीं की है। काम पर इसका सीधा सीधा असर पड़ रहा है। वकील जो है वो बिल्कुल उग्र हो चुके हैं, वकीलों में गुस्सा है। और लखनऊ में 5 KD आवास पर भारत वर्सेस मोरक्को टेनिस टूर्नामेंट की ड्रॉ सेरेमनी में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। इस दौरान कई अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खिलाड़ी भी वहां पर मौजूद थे। आपको बता दें कि 16 और 17 सितंबर को ये मैच होंगे, और खास बात ये रही कि इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भगवा रंग के ट्रैक सूट पहनकर वो नजर आए। हम सब जानते हैं कि डेविस कप लॉन टेनिस की एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित प्रतियोगिता है। जब उत्तर प्रदेश खेल विभाग को इस बात की जानकारी मिली तो हम लोगों ने प्रदेश के अंदर इसके लिए खेल विभाग ने पहले से ही अपनी तैयारियां प्रारंभ कर दी थी, और उत्तर प्रदेश टेनिस एसोसिएशन ने उत्तर प्रदेश खेल विभाग के साथ मिलकर के इन कार्यक्रमों को पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के जो कार्यक्रम किए हैं उसकी झलक कल और परसों हम सब महसूस करेंगे। मित्रों, पिछले 9 वर्षों के अंदर देश के अंदर खेल का एक माहौल बना है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने खेलो इंडिया खेलो के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का रहा हो या फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से खेल की गतिविधियों को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम, इन सभी ने पूरे देश के अंदर एक खेल का बेहतरीन माहौल दिया है। खेल केवल एक प्रतियोगिता नहीं, बल्कि प्राचीन काल से ही भारत की परंपरा इस बात पर विश्वास करती रही है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। देश में इन दिनों सनातन पर संग्राम मचा हुआ है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के साथ ही सियासी गलियारों में सनातन पर संग्राम जारी है। सनातन धर्म पर विवादित टिप्पणियों से घमासान मचा हुआ है। वार पलटवार का दौर जारी है। पीडब्ल्यूडी मंत्री जितेन प्रसाद ने जहां इंडिया अलायंस पर निशाना साधा, तो योग गुरु बाबा रामदेव ने यह तक बोल दिया कि सनातन का विरोध करने वालों को 2024 में मोक्ष की प्राप्ति होगी। वहीं सपा महासचिव
रामगोपाल यादव ने क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा कि लोग इस तरह की जो बातें कर रहे हैं मूर्खता की बातें करते हैं। ये इंडिया अलायंस और उनके नेता, इनके विचार, इनकी इनका इनका उद्देश्य सनातन धर्म को प्रहार करना, उसके उसको खत्म करने की जो बात करते हैं, ये भारत की मूल भावना के विरोध और उनके ठोस पहुँचाने की बात है। आप देखिएगा आने वाले समय में जनता इसका जवाब देगी। जो जो सनातन धर्म को समाप्त करने की बात करते हैं वो खुद समाप्त हो। अरे कुछ लोग मूर्खता की बातें करते हैं तो करते रहने दो। सनातन धर्म, हम तो सनातन धर्मी हैं, तो सनातन धर्म को मानने वाले, हम राम कृष्ण शिव सबकी पूजा करते, बाबा विश्वनाथ से लेके जितने शिव ज्योतिर्लिंग हैं सबका दर्शन कर चुके, तो जो कर रहे हैं उनसे पूछिए। मैं तो सनातन धर्म का मानने वाला हूँ और समर्थक हूँ। देखो जो सनातन को गाली दे रहे हैं उन सबका 2024 में मोक्ष होने वाला है। मिर्जापुर में अल्पवृष्टि की मार से किसान बेहाल हैं, जिन्हें अन्य उपज की मदद से आमदनी के लिए सिकड़ू ब्लॉक में कृषि निवेश मेले और गोष्ठी का आयोजन यहां पर किया गया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने किया। इस दौरान उन्होंने मेले में किसानों की तोरियों और सरसों के बीज का वितरण यह किया गया है, बीज उनको बांटे गए हैं। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि बारिश नहीं होने के कारण किसानों की समस्या जो है वो बढ़ गई है और कई जगह पर बहुत ज्यादा बारिश हुई है, जिससे किसान परेशान है और सरकारी स्तर पर राहत पहुंचाने का काम सरकार द्वारा किया जा रहा है। कृषि विभाग द्वारा कृषि निवेश मेला का आयोजन किया गया है, जिसमें दो मुख्य विषय हैं। पहला विषय है कि हमारे जिले में बारिश कम हुई है, जिसके कारण खेतों में धान की रुपाई नहीं हो पाई है, खेत खाली पड़े हैं, तो वहां पर हमने तोरिया के और सरसों के बीज किसानों को वितरित किए हैं ताकि उस खाली खेत का वो उपयोग कर सकें और दो महीने में ये फसल तैयार हो जाएगी। दूसरी बात है कि जो पराली जलाने का एक बड़ा ज्वलंत विषय है, उसका एक समाधान हमने निकाला है। पूसा इंस्टीट्यूट ने कुछ डिकम्पोजर डेवलप किया है, तो आज हमने किसानों को पूरा विशेषज्ञों के माध्यम से विधिवत बताया है कि उस डिकम्पोजर का उपयोग करके जो एग्रीकल्चर के अवशेष हैं, कृषि अवशेष हैं, उनको कैसे डिकम्पोज करना है सड़ाकर खेतों में ही, ताकि खेत की जो प्रोडक्टिविटी है वो भी बढ़े और इस पर्यावरण का संरक्षण भी हो सके और इस समस्या का एक समाधान भी निकल सके। और वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 13 सितंबर को आयुष्मान भव अभियान का शुभारंभ किया है। यूपी में 17 सितंबर से आयुष्मान भव अभियान की शुरुआत होगी। इस अभियान को 5 हिस्सों में बांटा गया। इसमें 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा आयोजित किया जाएगा। आयुष्मान भव अभियान को लेकर प्रयागराज में जिलाधिकारी नवनीत चहल ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इसकी जानकारी दी है। देखिए, आयुष्मान भव योजना का एक अभियान के रूप में इसकी शुरुआत की जा रही है। 17 सितंबर से लेके लगातार एक अभियान के रूप में इसकी शुरुआत की जाएगी। इसके 5 मुख्य घटक हैं, जिसमें सेवा पखवाड़ा, आयुष्मान आपके द्वार 3.0, आयुष्मान मेला, आयुष्मान सभा, आयुष्मान ग्राम पंचायत, आयुष्मान नगरीय वार्ड, इस तरीके से 5 मुख्य घटक हैं। सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक सभी हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, PHCs, CHCs इत्यादि पर ये पखवाड़ा चलाया जाएगा, स्वच्छता पखवाड़ा चलाया जाएगा। साथ ही साथ इसमें अंगदान देने के प्रति और इसके अतिरिक्त जो हमारे रक्तदान देने के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा, शपथ भी दिलवाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। जो हमारा आयुष मुजफ्फरनगर में ताजपुर गांव के परिषदीय स्कूल में बच्चों से ईंट ढुलाई करवाए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें स्कूल के छोटे छोटे बच्चे ईंट ढोते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद बच्चे अपने परिजनों के साथ कलेक्टर भी पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने इस मामले की शिकायत डीएम से की है, जिस पर डीएम ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मामले को फिलहाल शांत करवा दिया गया। इस पूरे प्रकरण में खंड शिक्षा अधिकारी ने नोटिस जारी कर स्कूल के प्रधान अध्यापक से अब क्लैरिफिकेशन मांगा है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई इसमें की जाएगी। प्रधान जी आए थे जी स्कूल में जी, अनुज मास्टर जी को उन्होंने कहा बच्चों को भेज दो ईंट ढुवानी है जी, फिर अनुज मास्टर ने जी हमको भेज दिया सबको जी, फिर हम पे ईंट ढुवाई है जी वहाँ जी। हम प्रधान जी आए थे, वो प्रधान जी अनुगान को 4-5 बच्चे भेज दो, तो अनुज मास्टर जी अनुगान को जाओ तो हम सारे सारे चले जाओ, जाओ हम चले गए जी, फिर जी हमारे पास ईंट ढुवाई वहाँ जी जी खड़ो जब छिपाया जाता है मंदिर में जी उन्होंने अनुगान को ईंट ढो दो यहाँ से, हमने जी ईंट ढोई। ये मामला बच्चों के द्वारा ईंट ढुलवाने का काम चल रहा था, जो पढ़ाई के बजाय बच्चों से
ईट डुलवाई जा रही, वहाँ घास खुदवा जाता, बच्चे पढ़ते हैं जूनियर हाई स्कूल और प्राइमरी पाठशाला ताजपुर। ये काम टीचर ने और इन्होंने प्रधान ने मिलकर ही करा हुआ है दोनों। कल शाम से सोशल मीडिया एक जो वायरल हुआ इसके संबंध में जो मामला संज्ञान में ताजपुर है ब्लॉक फुरकाजी का, इसमें जो मीडिया में जो वायरल हुआ इसके संबंध में ज्वाइंट कमेटी बनाई गई है। ज्वाइंट कमेटी जिसमें दो अधिकारी है, इसमें BSA भी है और एक प्रशासनिक अधिकारी है जो DC है मनरेगा है, उनकी तरफ से ज्वाइंट कमेटी से जांच कराई जाएगी। जांच करने के बाद आगे रिपोर्ट की बेसिस पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और मिर्जापुर के लाल डिग्गी मोहल्ला में एक स्कूल में बच्चों को आपदा के दौरान घबराने की नहीं बल्कि लोगों की हिम्मत के साथ बचाने के तरीकों से अवगत करवाया गया है। इस दौरान आग लगने से बिल्डिंग में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने का प्रदर्शन जवानों ने किया। इस मॉक ड्रिल में स्कूल की बिल्डिंग में आग लग जाने के कारण कक्षा के तमाम बच्चे भाग कर छत पर जाकर फंस गए। बच्चों को NDRF और SDRF की टीम ने सुरक्षित बचाया। ये कोई हादसा नहीं बल्कि एक मॉक ड्रिल थी जिसमें NDRF, SDRF, पुलिस प्रशासन, दमकल विभाग समेत स्वास्थ्य विभाग के लोग भी शामिल थे।